भाई मैं कुछ आपसे बोल रही हूँ, भाई मेरी बात तो सुनो ना, भाई भाई रुको, I need to talk to you. फरवरी मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अभी कोई बात नहीं करूँगा। भाई, भाई मैं कुछ कह रही हूँ, काका आप। देखो बेटा जी, घर का काम पहले, बाहर का काम बाद में। तारा बिटिया का चूल्हा चढ़ाई की रस्म है, और ये रस्म में दूल्हा दुल्हन दोनों को मिलकर भोजन बनाना पड़ता है। काका जी, ये शादी मैंने घर घर खेलने के लिए नहीं की, और ये शादी उन्होंने अपनी मर्जी से की है। जब झेल नहीं पाएंगी तो खुद यहां से चली जाएंगी। और आप दोनों बस इतना याद रखिए, मैं अब कोई भी रस्म रिवाज नहीं करने वाला उनके साथ में। जी आवाज कोई से आई? किचन में तो भाभी हैं। भाई तारा बेम साहब तारा बेम साहब, अरे क्या तारा मेम साहब कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है इस घर में? कभी बैंड बाजा वाले, कभी नाचने गाने वाले, फिर ये बर्तन का गिरना, बिना शोर मचाए कोई काम नहीं कर सकती हैं आप? शोर नहीं है मिस्टर मलिक, ये चूल्हा चढ़ाई की रस्म है मेरी। अब खाना बनाऊंगी तो चार बर्तन तो खनकेंगे ना। घर गृहस्थी में ऐसी आवाजें होती रहती हैं मिस्टर मलिक। आप अकेले रहते हैं तो आपको ये सब आदत नहीं होगी, पर अब आदत डाल लीजिए, मैं आ गई हूँ। मदद कीजिए मेरी, हमारी चूल्हा चढ़ाई की रस्म है मिस्टर मलिक। तो मैं क्यों करूँ, आप अकेले कीजिए। तो मैं अकेले करूँ? हाँ, क्योंकि रस्म तो आपको निभानी है ना, तो खाना भी आप अकेले बनाएंगी। मैं कैसे बनाऊं? कैसे मतलब, खाना बनाना नहीं आता आपको? अच्छा खासा उस दिन क्या था वो तारा मेम साहब स्पेशल, खाना बनाकर तो लेकर आई थी आप। किसने बनाया था? आपने ही बनाया था? एक मिनट, आपने वो खाना नहीं बनाया था। भाभी गेस्ट आ गए हैं। कैसे गेस्ट? भाई वो भाभी ने कहा था कि चूल्हा चढ़ाई के रस्म में अनाथ बच्चों को खाना खिलाएंगे। फरवरी रहने दो, रस्म तो हुई नहीं तो खाना भी नहीं बना, बेचारे बच्चों को क्या ही खिलाएंगे। एक काम करो, उन्हें बोल दो कि आज खाना नहीं खिला पाएंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप? बच्चे हैं वो, भूखे पेट जाएंगे यहाँ से, हमारे घर से। मिस्टर मलिक अब नहीं, ये आप अमीरों के घर में होता होगा, इस घर में नहीं। चलिए हटिए आप, मैं बताता हूँ आपको ये खाना कैसे बनाते हैं। और आज बनेगा बच्चों के लिए स्पेशल लिट्टी चोखा। परवरी बच्चों को बोल दो कि बैठ जाए, खाना आ रहा है। जी भाई। वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है भाई। भाभी कमाल कर दिया आपने, मैं भी थोड़ा सा लेती हूँ। पहले बच्चे खाएंगे। मैं भी तो बच्ची हूँ। लेकिन बड़े बच्ची हो तुम। चलो खाओ सब लोग। भाभी यू आर सो स्मार्ट, आप जैसे चाहती थी वैसी हुआ, और भाई के साथ रस्म भी हो गई। तू भी ले ले कुछ सारा।
मिस्टर मलिक, आपने कुछ खाया नहीं ना, मैं आपकी प्लेट लगा देती हूँ। चूल्हा चढ़ाई की रस्म कितने अच्छे से पूरी हो गई ना मिस्टर मलिक, जब तक आप नहीं आए थे मुझे तो लगा था कि होगी ही नहीं, पर आपके आते ही कितने अच्छे से हो गया सब। सब बच्चे कितना खुश होकर गए, शादी की सारी रस्में अच्छे से पूरी हो गई। सारी रस्में कहाँ पूरी हुई अभी तक तारा मैम साहब? मतलब हमारी सुहागरात की रस्म। कल मेरा मूड खराब था, आई एम सॉरी, लेकिन आज मूड अच्छा है। मैंने देखा कि आप इतनी शिद्दत से सारी रस्में पूरी कर रही, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं भी कुछ करूं आपके लिए, तो मैंने डिसाइड कर लिया मैं हमारी सुहागरात की रस्म बहुत स्पेशल बनाऊंगा। तो कहिए तारा मैम साहब, दुल्हन बनकर अपने पति देव का इंतजार करेंगी ना? आई प्रॉमिस हमारी यह स्वागत बहुत स्पेशल होगी, इतनी स्पेशल कि आप भूल नहीं पाएंगे। वेट कीजिएगा मेरे, मैं आता हूं। तारा मैम साहब, जब से आई हैं तब से आप किचन से फ्री नहीं हो रही हैं। मैंने कहा मेरा इंतजार कीजिएगा, लेकिन अब तो आप मुझे इंतजार करा रही हैं। कहाँ हैं आप? तारा मैम साहब, वेयर आर यू बेबी? ठीक है, तो अब चाहती हैं आप कि मैं आपको ढूंढूं? ठीक है, ये भी अच्छा है। तारा मैम साहब, हम भी कैसे पहुंच गए? ये तो गलत बात है तारा मैम साहब, किसी को इतना तरसाना अच्छी बात नहीं है। आपकी रस्म में मैंने हेल्प की, और जब आपकी रस्म निभाने की बारी आई तो आप भागकर यहाँ चढ़ गई। मैं आती हूँ ना, कुछ कुछ काम था सब, मैं आती हूँ। आ ही रही थी मैम। वैसे वहाँ कर क्या रही हैं? चिड़िया ने अंडे दिए मिस्टर मलिक, और मुझे संभालने थे कि कुछ हो ना जाए, ये इनको संभाल के आती हूँ मैं। मतलब ये काम हमारे सुहागरात से ज्यादा जरूरी है। हाउ स्वीट तारा मैम साहब, चिड़िया ने अंडे दे दिए, मतलब इस दुनिया में सबने अपनी अपनी सुहागरात बना ली, बस मेरी ही किस्मत में इंतजार लिखा है। तारा मैम उनका परिवार बन चुका है, वो अपना ख्याल रख लेंगे। चलिए आइए, अपने पति का ख्याल रखिए और उसकी आखिरी रस्म पूरी कीजिए। मिस्टर मलिक, मैं आती हूँ ना थोड़ी देर में, आप चलिए, बस मैं पहुंच ही रही हूँ। ये घोंसला इनका सस हो गया, ये मैं बसंत काका को बोल दूंगा, वो आके ख्याल रख लेंगे इनके। बसंत काका ऊपर कैसे चढ़ेंगे मिस्टर मलिक? आपको एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती है? ठीक है, मैं अपनी बात आपको समझाना जानता भी हूं। मिस्टर मलिक, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज मुझे नीचे उतारिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं। तो किसने कहा आपको कि आप ऐसी वैसी लड़की है? तो उतारी, आप मेरी बीवी हैं। क्या कहा आपने?
कि आप ऐसी वैसी लड़की नहीं है। उसके बाद मेरी बीवी है। शादी की सारी रस्में पति पत्नी मिलकर निभाते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि इस बार पहल मैंने की है। अच्छा, शर्मा रही हैं आप। मिस्टर मालिक, मिस्टर मलिक मुझे नीचे उतारिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला जैसा आप चाह रहे हैं। प्लीज। आप गलत बोल रही हैं। होगा तो भाई जो मैंने सोचा है। स्वागत मनाऊंगा, आपके लिए फूलों की सेज लगाऊंगा। हम आपकी किस्मत में फूल नहीं, सिर्फ ये। ये बिस्तर हमारे रिश्ते की तरह है, जहां पर आप फूल खिलाने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको मिलेंगे सिर्फ कांटे। जानता हूं मैं कि आपने मुझसे झूठ बोलकर चूल्हा चढ़ाई की रस्म करवाई। क्या लगा आपको कि आप ये रस्में वस्में करवाएंगी और मेरा मन बदल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देवा कोई मौसम नहीं है जो एक हवा का झोंका है और बदल जाए। वो गुजरा हुआ वक्त जो कभी नहीं बदलेगा। आप बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। क्योंकि जिस रिश्ते की बुनियादी नफरत है ना तारा मेम साहब, वहां पर बाहर निकलती। तो जाइए यहां से और लेकर जाइए अपने साथ ये रस्मों और रिवाज, क्योंकि आपकी ये चिकनी चुपड़ी बातें मुझे सिर्फ आपके झूठ और धोखे की याद दिलाती हैं। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? कहां क्या गलत जा रही हूं कि हर बार देवा की तकलीफ कम करने के बजाय बढ़ा देती हूं? क्यों नहीं समझ रहा है वो कि मैं उसको यह धोखा देने नहीं बल्कि उसके जख्मों पर मरहम लगाने आई हूं? आपको इशारा देना पड़ेगा मां। अब आपको ही मेरी मदद करनी होगी और मुझे पता होगा कि मैं क्या करूं। सब कुछ तो सही कर रही हूं ना, तो क्यों नहीं समझता है वो? हेलो बेटा। तारा, मैं बोल रही हूँ चंदा, जो सुबह अपनी मंडली के साथ आई थी ना।
हाँ बोलिए। आपने बोला था ना जो हमारे साथ सातवीं किन्नर थी उसका पता लगाइए, तो मैं पता लगा चुकी हूँ। आपको वो अभी इस वक्त काली मैदान में मिलेगी। आपकी पूजा संपन्न हुई। भगवान करे हर साल की तरह ये शांति हवन आपके परिवार पर आने वाली सभी मुसीबतों से बचाए। धन्यवाद पंडित जी, अब अगले साल मुलाकात होगी। आपकी दक्षिणा। धन्यवाद। सन्मुखी, ये ले प्रसाद। तुझे क्या आशीर्वाद दें हम? तू तो खुद दूसरों को आशीर्वाद देते है। उमिला, कहते हैं बीता हुआ कल वापस लौट के नहीं आता, लेकिन ये लौट आया है। सालों पहले अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए हमने जिस राज को दफन किया था, वो गंदा खून आज हमारी जिंदगी में फिर लौट के आ गया है। ये कौन है? हमारी मंडली की तो नहीं लग रही। कौन है ये लोग? उनका देवा से क्या रिश्ता है? की बातें क्यों कर रहे हैं राज? गंदा खून। रिश्ता है इनका देवा से। इनके पास देवा के बचपन की तस्वीर भी है। इसे ढूंढूंगी अभी ना। आई टेस्ट अपॉइंटमेंट जरूरी होने का है। करला आई क्लिनिक 12:30 है। खुद जाकर पता लगाना होगा कि इनका देवा से क्या रिश्ता है।